नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल दमदारी के साथ 360 फेफना विधानसभा व 403 से चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में फेफना विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा मोर्चा के संस्थापक दिनेश कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि राष्ट्रीय युवा मोर्चा दमदारी से 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और स्वयं बलिया फेफना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही विपक्षियों पर दिनेश यादव कटाक्ष किए। 2022 आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी घोषणा ना हुई हो, लेकिन चुनावी दृष्टि से राष्ट्रीय युवा मोर्चा ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। पार्टी के संस्थापक दिनेश कुमार यादव ने घोषणा की है, उत्तर प्रदेश में नौकरी देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे। प्रेस वार्ता किस मुद्दे पर रखे हैं? हम अपने पार्टी का उत्तर प्रदेश 360 विधानसभा फेफना से निर्दलीय प्रत्याशी, स्वयं दल संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव 2022 में भाग लेने जा रहा हूं और उत्तर प्रदेश के 402 सीटों में मैं अपना आरक्षण दिया हूं। यादव 54, राजपूत 45, ब्राह्मण 52, मुस्लिम 72, SSC 82+2, ST 2+, मौर्य वर्मा कुशवाहा 15, पाल 7, राजभर 15, चौहान 9, बिजनेसमैन मड़वारी 27, संत हिंदू मुस्लिम 5 और किन्नर 5, शर्मा 9, भूमिहार 2। उत्तर प्रदेश और गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब में भी अपने चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी लगी हुई है और मैं अपने उत्तर प्रदेश का विधानसभा सभी मिशन में पूर्व सीट पर चुनाव लड़ाने के प्रयास करूंगा। लड़ने वाले प्रत्याशी जिसमें 90% युवाओं को टिकट दिया जाएगा, सभी जाति धर्म के पब्लिक को मिला करके, और अन्य बचे हुए बुजुर्गों को दिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल पूरे देश के सभी पब्लिक के लिए मुद्दा प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ। किसान की सुविधा 100%, शिक्षा एक समान, सभी कॉलेज सरकारी, सभी जिला मेडिकल कॉलेज, सभी जिला में एम्स, रोजगार की गारंटी, डीजल 68 रुपया, पेट्रोल 75, चुनाव के बाद न बढ़ाया जाए, एक समान ट्रेन सुविधा, जनरल बोगी XYZ सभी भी गाड़ी में, जनरल बोगी 31/3/2022 के अंदर प्राइवेट बस सभी सरकार की, टैक्स कम, GST एक जगह, बिजनेसमैन पर, पब्लिक पर नहीं, खाने पीने की वस्तु की कीमत कम करें, ठेकेदार सरकार के, व्यापारी सरकार के, पब्लिक के को प्रशासन से बचाओ, मुकदमा 45/90 से 180 दिन में समाप्त, बिजली 31/3/2022 तक सभी पब्लिक किसान को फ्री, COVID-19 मुक्त, देश बैंक एक, फाइनेंस भारत सरकार, गाड़ी की कीमत 27% कम, थल 15 लाख, पब्लिक का टैक्स नहीं, 1 करोड़ से किसी से कम नहीं, 100 करोड़ किसी को ज़्यादा नहीं, सभी कंपनी चालू करें, कोई भी कंपनी बंद नहीं, कानून में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन, 35 संविधान 1947 से 1981 तक रहेगा, 1982 से 27/12/2021 तक संशोधन मान्य किया गया, उसमें परिवर्तन किया जाए, नौजवान, एयर इंडिया, सेना, थल सेना के मृत अपने मौत से दुश्मन की गोली से नहीं, नेशनल हाईवे क्लीन किया जाए, स्टेट हाईवे चौड़ी किया जाए, स्टेट हाईवे से ग्रामीण हाईवे तक डबल गाड़ी चले, नेशनल हाईवे ओके, स्टेट हाईवे चौड़ी, स्टेट में ग्रामीण तक डबल गाड़ी, रेलवे समय से टिकट पैसेंजर एवं एक्सप्रेस जनरल टिकट स्टेशन से, ट्रेन का भाड़ा कम एक समान करें, गैस कम, फाइनेंस 6 से 9 प्रकार, इंश्योरेंस कम, गाड़ियों का समय बढ़ाया जाए, पुराने पार्ट्स की पूर्ति करें, गाड़ी चोरी न होने पाए, सभी हाई, ये सब क्या है, ये सब जब मैं केंद्र में सरकार बना लूँगा या उत्तर प्रदेश में, जब जितना मेरे पास शक्ति मिलेगा पब्लिक से, उसका मैं प्रयोग करूँगा और पब्लिक को मैं मदद करूंगा, और हमारे पब्लिक को जो सहारा इंडिया जो कंपनी प्राइवेट, हर पब्लिक का धन अपने सिस्टम में ले चुकी है, जिसमें हमारे भारत देश के सभी को 81% पैसा सहारा इंडिया के कब्जे में जो चला गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, केंद्र सरकार और भारत देश के राज्य सरकार 37 जो है, 29 मुख्य राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं,
हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ और अपने 319 गांव फेफना विधानसभा के सभी जनता से निवेदन करता हूँ कि मैं प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा हो रहा हूँ और मैं जीत जाऊँगा तो जो मेरे सैलरी का पैसा है मैं 319 गांव के पब्लिक में और जो सरकार से राज्य सरकार जो केंद्र विधानसभा प्रत्याशी जो जीतते हैं उनके निधि में पैसा आता है 100% मैं ठेकेदार के खाते में ट्रांसफ़र करके मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा, मैं अपने पास नहीं लेकर के जा सकता हूं। इसकी शिकायत मिलने पर 9 गांव से अगर 9 प्रति पब्लिक मुझे शिकायत करेगी तो 90 दिन के अंदर में मैं इस्तीफा में अपना मौजूद कर लूंगा और राज्य सरकार जिसे चाहे चुनाव करा सकती है या राज्य सरकार जिसको चाहेगी। किन मुद्दे पर चुनाव अपने क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं? मैं अपने मुद्दा ये इसलिए अपने क्षेत्र से तैयार हुआ हूँ कि प्रशासन से हमारे क्षेत्र में जो विधानसभा में फेफना में 4 थाना है नरही फेफना चितबड़ा गांव गणवार पब्लिक का नाजायज पैसा लिया जा रहा है। सरकार इस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है और मैं केंद्र सरकार से सहमति हूँ और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो सीएम आदित्यनाथ योगी हैं उनसे मैं सहमति नहीं हूँ और कभी नहीं रहूँगा और मैं अपना 403 प्रत्याशी लड़ाऊंगा। मैं अपना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष को सीएम उम्मीदवार घोषित कर चुका हूं और पूर्ण रूप से हमारी सरकार बन गई तो ठीक और हमें किसी को समर्थन देना पड़ेगा या किसी से लेना पड़ेगा तो वोट गिनती के बाद मैं अपना विचार करूंगा। अगर मेरा डायरेक्ट बन गया तो पब्लिक का स्वागत उत्तर प्रदेश का, अगर नहीं बना तो मुझे लेना पड़ेगा देना पड़ेगा तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ किसी से ले सकता हूँ, मुझे आपत्ति नहीं है।